गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और इन गर्मियों में अगर आप अपनी स्किन को, गर्मियों वाली जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्ने, पिंपल, टैनिंग, उन सब से दूर रखना चाहते हैं और बिल्कुल नेचुरल स्किन केयर फॉलो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं दीपा आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही नेचुरल कंप्लीट स्किन केयर फॉर समर। और मैं आपको 10 चीज़ें ऐसी बताऊँगी जो बहुत ही नेचुरल है, मतलब पूरी ही नेचुरल है ऑलमोस्ट, और उनको आप स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप अपना पूरा स्किन केयर बना सकते हैं। नेचुरल स्किन केयर का फ़ायदा ये है कि कोई टॉक्सिन्स इसमें नहीं होते हैं, तो आपकी स्किन और आपकी पूरी बॉडी, आपकी हेल्थ आपको इसके लिए थैंक यू बोलेगी, बिकॉज ये जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी हेल्थ को और आपकी स्किन को ख़राब करते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं तो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, आपकी पॉकेट पे भी ये भारी नहीं पड़ने वाला है। और बात करूँ अगर रिजल्ट्स की, तो इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कि अगला सीज़न जब आएगा तो आप मुझे पूछेंगे कि इस सीज़न का भी इसी तरीके से स्किन केयर आप शेयर कर दीजिए। तो रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इस पूरे समर में एक बार इस चीज़ को ट्राई करिए। इस पूरे समर क्या मैं कहूँगी, एक दो हफ्ते भी अगर आप ये चीज़ों को ट्राई करते हैं, आई एम श्योर आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स भी नहीं देते हैं, वो भी बिना बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद किए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगी तो मेक श्योर आप कर दें इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को। सबसे पहले बात करते हैं फेस वॉश की। फेस वॉश के लिए आप सिंपली बेसन या फिर मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा एक फेस वॉश पाउडर आप बना के अपने वॉशरूम में रख लीजिए, उसको आप अप्लाई कर लीजिए सबसे पहले चेहरे पे प्लेन वाटर में मिक्स करके, और जब तक आप बाकी बॉडी वॉश कर रहे हैं उसको रहने दीजिए, 2-5 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। 1 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, नहीं है तो बेसन ले लीजिए। उसमें 1/4 चम्मच आपको कस्तूरी हल्दी डालनी है और उसमें 1/2 चम्मच आपको चंदन पाउडर डालना है। सिर्फ कस्तूरी हल्दी और बेसन यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, सिर्फ कस्तूरी हल्दी और मुल्तानी मिट्टी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो जो भी कॉम्बिनेशंस आप चूज़ करेंगे वो आप कर सकते हैं। चीज़ें कम्प्लीटली नेचुरल है और DIY स्किन केयर एक ऐसी चीज़ है जो अपनी स्किन के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, क्लीन ऑब्वियसली करेगा क्योंकि फेस वॉश है, और आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी कम करेगा, ऑयलीनेस को भी कम करेगा। सेकेंड स्टेप जो होता है वो टोनिंग का होता है। टोनिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं वो है रोज़ वाटर, तो बट ऑब्वियस है कि आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है एज टोनर। टोनर को जो भी करना चाहिए वो सब वो कर सकता है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ओपन पोर्स को कम कर सकता है, पोर्स को क्लीन कर सकता है, एक्ने पिंपल को दूर रख सकता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो एज टोनर मुझे समर में पर्सनली इस्तेमाल करना पसंद है, वो है एप्पल साइडर विनेगर टोनर, जिसको आप घर पे ही आसानी से बना सकते हैं। सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मतलब कौन सी स्किन टाइप के लिए कितना एप्पल साइडर विनेगर और दूसरा लिक्विड का रेशियो रखना होता है वो उस वीडियो में मैंने बताया है। एक कप अगर आपने रोज़ वाटर या पानी लेना है और 1 कप आपने एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करना है, मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में, तो मेरी स्किन के लिए ये काम करता है। बट अगर आप पहली बार इसको इस्तेमाल करने वाले हैं तो मेक श्योर आप एप्पल साइडर विनेगर की क्वांटिटी कम रखें पहले। एप्पल साइडर विनेगर का टोनर क्या करता है, ऑयलीनेस को भी कम करता है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, जो एसिडिक प्रॉपर्टी इसमें होती है वो आपकी स्किन को ना सिर्फ क्लीन करती है, आपके पोर्स को ना सिर्फ क्लीन करती है, बल्कि जो आपके दाग धब्बे हैं, जो आपकी कॉम्प्लेक्शन अगर अनइवन हो गई है, ब्लेमिशेस है, उसको भी कम करते हैं, और स्किन का जो टेक्सचर है वो आपको उसमें डिफरेंस आपको ज़रूर दिखेगा अगर आप एप्पल साइडर विनेगर टोनर ट्राई करेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, बट दूसरे स्किन टाइप वाले डेफिनेटली एक बार एप्पल साइडर विनेगर का टोनर जो है वो आप ट्राई करिए, और डिटेल वीडियो इस पर ऑलरेडी है तो वो देख लीजिएगा। तीसरा स्टेप होता है मॉइस्चराइजर का। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो सिर्फ एलोवेरा जेल आपको यूज़ करना है और कुछ भी नहीं। एलोवेरा जेल ही मेक श्योर अच्छी से अच्छी ब्रांड का हो। बहुत सारा बोगस एलोवेरा जेल मिलता है जो ना कोई रिजल्ट दिखाता है बल्कि बेकार फालतू केमिकल से भरा हुआ होता है और पैसे बर्बाद होते हैं। अगर आपकी स्किन उसके बाद भी ड्राई फील करती है तो आप थोड़ा होहोबा ऑयल मिक्स कर सकते हैं एलोवेरा जेल में। इसके बाद बारी आती है सनस्क्रीन की। जस्ट इन केस आप सनस्क्रीन के फ़ैन हैं तो सनस्क्रीन कैसे आप घर पे बना सकते हैं, सेपरेट वीडियो है DIY स्किन केयर की, नीचे मैं लिंक डाउन कर दूँगी, देख लीजिएगा। पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाया हुआ है। अगर मैं क्या करती हूँ, जब मुझे पता है कि मुझे हार्श समर में जाना है, हार्श सन में जाना है,
तो सिर्फ मैं एक ब्लॉब एलोवेरा जेल का लेती हूँ और उसमें मैं एक बूंद कैरेट सीड एसेंशियल ऑयल के डालती हूँ। कैरेट सीड एसेंशियल ऑयल में सनस्क्रीन बहुत अच्छा SPF होता है ऑलरेडी, और उतना ही इनफ होता है। अगर आप प्रॉपर सनस्क्रीन बनाना चाहते हैं क्रीम जैसा जो दिखे, तो वो आप वीडियो देख लीजिए। सनस्क्रीन के बाद एक्ने की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए एक स्पेशल चीज़ टी ट्री एसेंशियल ऑयल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि एक एक्ने कहीं पिंपल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा टी ट्री ऑयल लेना है। कॉटन बड पे ले सकते हैं या फिर अगर फिंगर टिप पे हो तो फिंगर टिप पे ही ले लीजिए। बिल्कुल जहाँ पे आपके पिंपल आ रहा है उस पे ही डैप करना है और कहीं नहीं लगाना है आपको। डायरेक्टली एसेंशियल ऑयल आपके अपनी स्किन पे लगाना ही नहीं होता है, बट सिर्फ पिंपल के केस में टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो है वो सिर्फ आप पिंपल पे लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिंपल जो है वो आगे बढ़ेगा नहीं। और साथ में ही वो जब जाएगा दूसरे दिन से ही वो सूखने लगेगा और पीछे कोई दाग धब्बा भी नहीं छोड़ेगा। लाइट वेट मॉइस्चराइजर कैसे आप बना सकते हैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल का यूज़ करके, उस पर सेपरेट वीडियो है, वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ज़रूर चेकआउट करिए और इस्तेमाल करिए। कोई भी एंटी एक्ने जेल जो महंगे से महंगा आपको मार्केट में मिलेगा उससे बेहतर काम करेगा, ये मैं बेट करती हूँ। हफ्ते में एक या दो बार आपको फेस मास्क और स्क्रब करना होता है, तो फेस मास्क और स्क्रब इन दोनों को आप चाहे तो एक ही स्टेप में कंबाइन कर दीजिए। मैंने जो DIY फेस वॉश आपको बताया, आप चाहे तो उसी को एज फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू का रस, दही या फिर रोज़ वाटर या फिर प्लेन वाटर या फिर राइस वाटर, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, अवेलेबल हो, सूट करती हो, वो आप मिक्स करके उसको भी फेस मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरा एक मास्क बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो आप डेली यूज़ ही कर रहे हैं, और कुछ और एडेड इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी स्किन के लिए और एडेड बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो ये वाला फेस मास्क और स्क्रब दोनों का जो काम करेगा ये वाला पाउडर आप बना के रख लीजिए। आपको क्या करना है, आपको लेना है नीम पाउडर, उसमें आपको डालना है लिकरिश पाउडर यानी कि मुलेठी पाउडर, और उसमें आपको डालना है चंदन पाउडर। आप चाहें तो हल्दी, अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद है, सूट करती है, तो हल्दी भी डाल सकते हैं। कितना डालना है आपको, ये तीनों चीज़ें नीम पाउडर, चंदन पाउडर और लिकरिश पाउडर, तीनों को आपको इक्वल क्वांटिटीज़ में लेना है, एक एक चम्मच। और जो हल्दी है वो आप एक चौथाई रखेंगे, मतलब एक एक चम्मच आपने तीनों डाला है तो 1/4 उसको आप डाल लीजिए या आधा चम्मच मैक्स वो डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए, जब भी ज़रूरत हो इस्तेमाल करिए। इसके बेनिफिट्स क्या है, ये जो इसमें जो मैंने लिकरिश पाउडर डाला है वो बेस्ट स्किन लाइटनिंग एजेंट है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो बेस्ट स्किन लाइटनिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट है, बहुत अच्छा काम करता है। स्किन लाइटनिंग की समर में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि टैनिंग की प्रॉब्लम कई लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो आप लिकरिश पाउडर का इस्तेमाल करेंगे उस केस में। नीम पाउडर नेचुरली थोड़ा सा दरदरा होता है तो वो स्क्रब का काम कर देगा, और जो इन्फेक्शंस और एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम समर में ज़्यादा होती है उसको प्रिवेंट करने में बहुत अच्छा काम करेगा नीम पाउडर। साथ में ही नीम जो होता है वो ठंडक देता है आपके शरीर को, तो वो कूलिंग भी होता है आपकी स्किन के लिए। और सबसे लास्ट में है चंदन पाउडर, अगेन ये दोनों का काम करता है, एक्ने पिंपल को भी प्रिवेंट करता है, उनके दाग धब्बों को भी कम करता है, और कूलिंग भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। तो मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करिए। सो यहाँ ख़त्म होती है आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर आपने कुछ नया सीखा होगा, जाना होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ एंड बी नेचुरल। बाय बाय।